साद और आमना ने जाके मेरे ख्याल में कोई एक भी फ्लेवर नहीं होगा जो रह गया होगा आइसक्रीम के। और ओ माय गॉड, ये कौन सा है? पीकान बटर पीकान, दिस इज मैग्नम, दिस इज ये है डबल रेड वेलवेट चीज केक विद विद रेड गनाश, ये है स्ट्रॉबेरी शॉर्ट केक, ये है मैग्नम की वाइट चॉकलेट वनीला आइसक्रीम, ये है वनीला क्रीम स्वर्ल नहीं वनीला कैरमल स्वर्ल, और ये है जी ओरिजिनल चीज केक फ्रॉम द चीज केक फैक्ट्री। और अब इसमें से एक भी फ्लेवर ऐसा नहीं है कि जो मैं छोड़ दूं, और साथ मुझे लगता है जब मैं वापस जाऊंगी ना तो जहाज टेक ऑफ ही नहीं कर सकेगा, मेरा वेट इतना हो चुका हुआ होगा। एंड लुक एट हिम हाउ हैप्पी ही इज, ये तो जो आंटी की सारी जिम की जो वाट लगेगी। और ये देखें जी इधर हर चीज से बेनियाज माँ बेटे का अजीम प्यार, और बाबा की आइसक्रीम और मूवी। तो जी ये चल रहा है यहाँ का इस वक्त माहौल। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, अमना अपने बेबी के साथ अभी सोई हुई है, सुबह सुबह का टाइम है और हम बैठ रहे, हमने अपने लिए बनाई है ये चाय। इट्स अ सूरज निकला हुआ बाहर, मुझे हेलो करें कौन सी कोई दैट इज़ अ वेरी गुड। ओके जी, यहाँ पे दो चीज़ें जो हैं मेकिंग में है, ये देखें जी मैंने बना दी है बड़ी बोरिंग सी दाल और अमेजिंग चाय। अभी जब दोपहर का खाना लगेगा ना तो ये दाल की जो मैं एक अहमियत है उसको मैं उजागर करूँगी। और यहाँ पर आमना ने अमेजिंग चाय फेंटने वाली, ओए होए आमना चाय ना, तो मुझे बताती मैं तुम्हारे लिए बेटे पवा ले आती, आसमा खाला ले के गई हैं। She is so fond of such things. I know, मैंने वो ब्लॉग देखा। Oh my God, चग्गो चग्गो हो गई है चाय हमारी, मजेदार। अगर कुछ किसी डली गुड़ की हो, हाय हाय हाय, हल्का सा सॉल्ट, हल्का सा गुड़। आपका दामाद लीजिएगा। तो ये देखिए जी, मैंने तो अमेरिका में बैजा बैजा कर ली है, तो दाल स्वादी पक गई है और बनेंगे अभी चावल। And then I'll show you के how these guys are going to beg me for some दाल। Wow, हलवा पूरी का गरम गरम नाश्ता। Yes, तो वो नाश्ता है। मेरी प्लेटें। लो जी ये खोले। ले जी पहला नवाला तनावल फरमाई और जरा। मैं तो ये हलवा खा चुकी हूँ। दें आप इस अपना मज़े का रिव्यू। सो गुड। ये कौन सी जगह है? चांदनी चौक। जैसा कि आप सब लोग जिस तरह से हलवा पूरी खाई जा रही है ना, इससे आप आइडिया लगा लें कि ये हलवा पूरी में क्या मज़ा है। बहुत मज़ा है, बहुत मज़ा है भाई। ये मेरी हलवा पूरी पड़ी हुई है जो मैं अभी खाऊंगी। हो रही है जी, पड़ी हुई है और मतलब वो कहावत है कि जो इसको ना खाए वो पछताए और जो खाए होपफुली वो ना पछताए। तो इसलिए थोड़ा सा ज़रा इंसानों की तरह हम खाएंगे, बट ये हमारा ब्रंच है। मैं तो आंटी नहीं खाऊंगा इंसानों की तरह। हाँ वैसे हलवा पूरी जो है ना वो ज़रा थोड़ा मस्त होके खाने वाली चीज़ है। सो लेट्स इसके साथ क्या टूट पड़ी है ठंडा किया। यहाँ पर बच्चे जो सबसे ज़्यादा मिस करते हैं वो घर का बनाया हुआ खाना है, ख़ास तौर पे डिज़र्ट्स वग़ैरह। तो मैं यहाँ पे कस्टर्ड और जेली जो आमना और साथ दोनों को बहुत पसंद है वो बना रही थी, तो बस मैंने थोड़ा सा फ्रिज में दूध पड़ा हुआ था वो ले लिया था, और ये मैं कस्टर्ड का डब्बा मैंने खोला हुआ है और साथ दाल चावल बना के, तो ये चीज़ें ये लोग बड़े शौक से खा लेते हैं। कल की दाल इतनी मजे की थी कि दोबारा फरमाइश हुई थी। तो ये दाल दिखाएं,
दिस इज दाल और ये चावल। चावल दिखाओ। यम्मी यम्मी लग रहे है ना। थोड़े से हम लोग ज़्यादा गले हुए खाते हैं और इसके अंदर मैं थोड़ा सा एंड में देखिए पानी भी रहने देती हूँ। ये खाएं। और साथ में भी मैंने ये बनाया है, ये देखिए कस्टर्ड ठीक, और ये देखिए ये जेली जेली कस्टर्ड जेली। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक होंगे। तो सुबह के टाइम पे जैसा कि आपने देखा है हमने हलवा पूरी खाई है और अब इतने फुल हो गए हैं कि सब ने दाल चावल की फरमाइश की थी और इसके बाद हम जाएंगे न्यूयॉर्क वगैरह देखेंगे थोड़ा और साथ ही हम लपेट के बेबी को भी ले जाएंगे। अच्छा जनाब, अभी हम हमारा कहीं निकलने का प्रोग्राम है। निकलने का मेरे ख्याल में डाउन टाउन की साइड पर शायद जाए। हाँ लेट्स सी, देखते जाते हैं। ठीक है, और थोड़ा अंधेरा भी हो जाएगा तो फिर देन एवरीथिंग विल लुक सो ब्यूटीफुल एंड चार्मिंग है लाइवली। लेजी ये हम जा रहे हैं टाइम्स स्क्वायर। टाइम्स स्क्वायर हम तफरी करने जा रहे हैं। गाड़ी सही उतरना बिल्कुल क्योंकि कोविड लगा हुआ है सबको। सबको कोविड लगा हुआ है, अभी नहीं हुआ तो भी आएगी, वो भी बनाना। ये तो एमी है, ये ब्रॉन्क्स है। गोलगप्पे मिलते हैं, क्यों नहीं मिलते यहाँ पे? नली वाली नहरी मिलती है। नली वाली क्या, यहाँ तो नाले वाली भी नहरी मिली है। सब कुछ मिलती है जनाब, न्यूयॉर्क में सब कुछ मिलता है। बन को आप मिलता है, बन को आप मिलता है। न्यूयॉर्क एक बहुत ही खूबसूरत सिटी है, इसको मुख्तलिफ नामों से बुलाया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि सिटी ऑफ लाइट्स, बिकॉज जैसा कि आप देख रहे हैं रात को ये बिल्कुल जगमग जगमग कर रही है सिटी। और इसको कंक्रीट जंगल के नाम से भी बुलाया जाता है बिकॉज यहाँ पर बहुत ज़्यादा बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन है और वो इतनी ऊँची ऊँची बिल्डिंग्स हैं कि आप गाड़ी में बैठकर देख ही नहीं सकते। अनटिल एंड अनलेस कि आप बाहर निकले हुए हों गाड़ी से और दूर से देख रहे हो तब आप उसको ऊपर तक देख सकते हैं। न्यूयॉर्क को बिग एप्पल के नाम से भी बुलाया जाता है और वो इसलिए क्योंकि 1920s में यहाँ पे हॉर्स रेसिंग हुआ करती थी जिसकी प्राइज़ मनी बहुत ज़्यादा थी और इसलिए उस प्राइज़ मनी को बिग एप्पल का नाम दिया गया और फिर न्यूयॉर्क को भी इसी नाम से बुलाया जाने लगा। ये हम जा रहे हैं लिंकन टनल, लिंकन टनल के थ्रू मैनहट्टन। कहाँ जा रहे हैं? लिंकन टनल के थ्रू जाएंगे हम मैनहट्टन। ओके, वेयर इज लिंकन टनल? इज अ फेमस टनल। ये सामने एम्पायर स्टेट बिल्डिंग है राइट साइड पर। अच्छा ठीक है, ये जो है सामने, वो सामने राइट साइड पे पॉइंटी सी नजर आ रही है। न्यू जर्सी कैसा लगा आप लोगों? दिस इज मजीद। ये हम इस वक्त, आप लोग लाइटली ना ले, अंडर वाटर है जनाब। सही बताओ सर। हाँ तो हमने ऑक्सीजन क्यों नहीं ली थी? गुड क्वेश्चन। फ्रॉम वेयर आर वी गेटिंग दी ओ2? इधर ना वो लगे होते हैं एग्जॉस्ट स्टार्ट से एंड तक। H&M की बिल्डिंग है, बड़ी मशहूर है ये। गाइस अगर आप ये रेड कलर में देखें तो लिखा हुआ है H&M, सो ये बड़ी मशहूर बिल्डिंग है। और मेरे ख्याल में जो यहाँ के मकीन है वो बोले, शायद आप बताएं। ये जब मैं स्पाइडरमैन खेलता हूँ ना प्लेस्टेशन पे, उसमें ये बिल्डिंग होती है।
स्पाइडरमैन इस पर जंपे मार रहा होता है, स्पाइडरमैन इस पर वन बिल्डिंग टू अनदर, वो स्पाइडरमैन की यही रोड है जो इस्तेमाल करता है वो, यही वाली। ये स्क्रीम की नई मूवी आ रही है उसका, इन्होंने लगाया हुआ है ऐड, ऐड लगा दिया डबल टैकर पे, ट्रेलर टाइप ट्रेलर है ये, ऐड है ये ऐड। ये मुझे समझ नहीं आ रही, हमारा रेड है कि ग्रीन है, अच्छा नहीं ग्रीन है हमारा। इधर लोग यार हॉर्न बड़े मारते हैं न्यूयॉर्क में, पाकिस्तान की तरह। सलमान के ध्यान से मास्क लगा के हाथ बार बार धो के जाना, गुजर गया है नजर नहीं आ रहा न्यूयॉर्क में। ये जी टाइम स्क्वायर आ गया अब, और यहाँ बहुत लाइटें होती हैं, सिटी ऑफ लाइट्स, कॉन्क्रीट जंगल में हम आ गए हैं। ओके ये अब हम आ गए हैं टाइम स्क्वायर के बीच में, और यहाँ लाइट्स ही लाइट्स होती हैं, लोग ही लोग होते हैं, कोविड ही कोविड होता है। सबसे ज्यादा वो लेफ्ट पे बनाए वो स्टेयर्स है टाइम स्क्वायर की, ये वो टाइम स्क्वायर की स्टेयर्स है, और सिग्नल रेड हो गया मगर मैं इधर फंस गया हूँ। अच्छा जी, अब आमना जो है उसने बाथरूम जाना था तो हम इधर रुके हैं, ये सारे अमेरिका के बाथरूम गंदी कर रही है, और ये पीछे आंटी हैं बैठी हुई, और ये छोटू इब्राहिम सीट में है, कार सीट में बैठा हुआ। न्यू जर्सी नज़र आ रहा है, और वो न्यू जर्सी की स्काई लाइन है, और ये सामने ब्रिज है, इस ब्रिज का नाम मैं भूल गया गोल्डन की बिल्डिंग है ना हडसन रिवर के साथ। ओके जी, तो ये अब हम वापस आ गए हैं, और दिन का हम इख्तिताम होता है मामा, दिन हमारा हो रहा है ख़त्म, और नहीं तो बहुत मज़े का था दाल चावल, तो ये खाती हूँ और आप लोग ये खा के, और उसके बाद हमारा सोने का टाइम हो जाएगा, छोटे बेबी की वजह से हम ज़रा टाइम पे सो जाते हैं, और कल हम जा रहे हैं मेरे घर। हाँ जी, तो जैसा कि मैं आपको बता चुकी हूँ कि साथ का प्रोग्राम इधर है न्यूयॉर्क में, और आमना जो है वो फिलाडेल्फिया में होती है फॉर सम टाइम, इस तरह का सेटअप है। सो कल हम जा रहे हैं आमना की तरफ, तो आमना आप खुदाफिस कहेंगी जी, फिर आप लोगों से मुलाकात होगी दोबारा कल। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब विद अस, सब्सक्राइब इफ यू आर सीइंग द वीडियो, क्लिक द रेड बटन एंड ऑल्सो द बेल, ताकि आप लोगों को नोटिफिकेशन आ जाए जब मामा अपलोड करें। हाँ, एंड थैंक यू सो मच फॉर लाइकिंग आवर वीडियोस, थैंक यू फॉर वॉचिंग। हम आपके लिए सबके लिए हर वक्त दुआ करते हैं, आप भी हमें अपनी दुआओं में याद रखें। सो टिल नेक्स्ट टाइम टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़, गुड नाइट।